बॉयलर सेक्शन में हूँ, जो ये भी श्रम विभाग द्वारा संचालित है। और हमारे साथ में असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ बॉयलर श्री अजय कुमार सिंह उपस्थित है, जो कि बॉयलर के बारे में बताएंगे कि बॉयलर की टेस्टिंग कितने दिनों में होनी चाहिए, हाइड्रोलिक टेस्ट क्या होता है, कैसे होता है और क्यों ज़रूरी है। तो थोड़ा सा एक मैं चाहूँगा कि एक बेसिक जानकारी आप दें हमारे दोस्तों को। बॉयलर में हाइड्रोलिक टेस्टिंग साल में एक बार की जाती है, जो कि सेफ्टी के लिए होता है। ये भी सेफ्टी के ही उसमें आता है दायरे में, IBR इंडियन बॉयलर रेगुलेशन, जो कि 15 सितंबर 1950 को लागू हुआ था। उसमें हाइड्रोलिक टेस्टिंग 1.5 टाइम्स जो उसका वर्किंग प्रेशर होता है उस पर उठा के फ्लूड नॉर्मल वाटर होता है, मतलब एम्बियंट टेम्परेचर पर, तो डेढ़ गुना हम उसका जो वर्किंग प्रेशर होता है उस पर प्रेशर इंक्रीज करके 10 मिनट तक देखते हैं, जो कि सेम वही कंडीशन होती है डेढ़ गुना प्रेशर की जो स्टीम की होगी। बॉयलर में टेस्टिंग कराना मैंडेटरी है क्या हर उसमें साल ईयर में या साल में रेगुलेशन? हाँ, रेगुलेशन में दिया हुआ है, तो पूरे इंडिया में एक ही है, मैंडेटरी ही है। अब मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं यहाँ पर, जिनके बारे में आप बताएंगे, जो कि NDT से है, तो आप बताएं कि इंस्ट्रूमेंट के बारे में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट किस तरह से किस काम आते हैं, कैसे यूज़ किए जाते हैं? ये सर माइक्रोस्कोप है, जिससे जैसे हम कोई भी मटेरियल जो होता है, जो हाई टेम्परेचर लाइन का जो मटेरियल होता है, जैसे स्टीम ड्रम हो गया, हाइड्रेट वगैरह हो गया, जो बॉयलर में जो होते हैं, तो सर उसका माइक्रो स्ट्रक्चर हम वहाँ से उठाते हैं। तो इसका सीधे हमारा लैब में आके फिर उसका हम एनालिसिस करते हैं, फिर एनालिसिस हम उसकी लाइफ पता करते हैं, फिर हम उसका रिपोर्ट देते हैं। मतलब बेसिकली किस चीज़ के हम वहाँ से उठाते हैं, मतलब बॉयलर से उठाते हैं? बॉयलर का जैसे सर बेल्ट जॉइंट हो गया, पैरेंट मेटल हो गया, वहाँ से स्ट्रक्चर हम उठाते हैं। एक तो बेल्डिंग का हमारा जो है, जो हीट इफेक्टेड जोन जो होता है, उसका भी हम देख लेते हैं कि इसमें किसका लाइफ और कितना बचा हुआ है, तो उसके लिए हम माइक्रो स्ट्रक्चर वहाँ से उठाते हैं। ये सर हमारा बोरोस्कोप की मशीन है, जो कि सर जो पाइपलाइन जो होते हैं, जैसे ट्यूब्स हो गया, तो जहाँ तक तो हमारा हम खुद देख सकते हैं तो हम देख लेते हैं, अगर जहाँ तक हम नहीं जा पाते हैं तो सर ये हमारा ये 30 मीटर का केबल है इसमें बड़े मशीन का, तो हम ये ट्यूब में डाल के या हेडर में डाल के हम अंदर का कुछ भी देख सकते हैं। जैसे सर कोई बेल्डिंग अगर बेल्डिंग करता है, तो कई बड़ी होता है कि वो हेडर के बीच में कोई रॉड छोड़ देता है या कोई इंस्ट्रूमेंट छोड़ देता है, तो फिर सर बॉयलर के अंदर जाएगा पानी के द्वारा, तो फिर सर घात कर सकता है, किसी भी ट्यूब को फाड़ सकता है, तो इसलिए सर हम उसको चेकअप करते हैं। और ये मशीन, ये सर ये हार्डनेस टेस्टर है कि किसी भी मटेरियल का हम हार्डनेस चेक कर सकते हैं, हार्डनेस चेक करने के। ये सर ED करंट का मशीन है, जैसे सर टर्बाइन का जो रोटर होता है, तो रोटर में क्या है कि सर इसमें हम जैसे हम किसी हैम्बर से उस पर मार के फिर हम इसको प्रोब उस पर लगा के चेक करते हैं कि उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है या क्रैक तो नहीं है। और ये सर ये थिकनेस गेज मशीन है, मटेरियल का हम थिकनेस पता थिकनेस चेंज करते हैं, चेक करते हैं इससे। ये सर ऑक्साइड मशीन है, इसमें सर ऑक्साइड भी शो करेगा और थिकनेस भी शो करेगा। ऑक्साइड क्या होता है कि सर जो बॉयलर का जो अपना फाइनल सुपर हीटर का जो कॉइल जो होते हैं, वो कॉइल के अंदर में सर स्टीम होता है, जो स्टीम चलता रहता है, तो उससे क्या होता है कि कहीं बेल्ट पे या किसी स्टेट पोर्शन पे भी वो क्या है कि उसमें ऑक्साइड लेयर इकट्ठा हो जाता है, वो सर ट्यूब को कहीं से भी वो फाड़ सकता है, इसलिए हम इससे चेक करते हैं कि कहीं पर ऑक्साइड तो नहीं है। उसका भी कुछ लिमिट होता है कि इतने ऑक्साइड तक हम चला सकते हैं, इसके ऊपर नहीं चला, उसके ऊपर फिर हम ट्यूब को कटवा देते हैं, फिर वो नया ट्यूब है। ये दोनों मशीन सेम है। इसका क्या यूज़ है? ये सर ये मैग्नेट पार्टिकल टेस्टिंग के लिए है, ये इसको बोलते हैं MPIO, तो ये मैग्नेटाइज करता है, जैसे बेल्डिंग ज्वाइंट है, बेल्डिंग ज्वाइंट को क्या करते हैं कि हमारे पास एक केमिकल होता है, वो केमिकल डाल के फिर हम उसको मैग्नेटाइज करते हैं, जो क्रैक अगर माइनर में भी होगा तो वो थोड़ा सा फैल जाएगा, फिर हमारे पास एक टॉर्च होता है UV टॉर्च, वो UV टॉर्च के द्वारा से हम उसको अंधेरे में टेस्टिंग करते हैं, तो फिर वो टॉर्च के द्वारा रोशनी से वो बिल्कुल क्रैक बिल्कुल पता लग जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।